साथ जो इसके हाथ में है, हाथ में है ना, इसके हाथ में गन है ना। पता नहीं, पता नाज़रीन, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, हम अभी नूरबाग बागवानपोरा एरिया में मौजूद है, जहां पे कुछ देर पहले कहा जा रहा है कि ज़बरदस्त फायरिंग हुई थी। लेकिन जब फायरिंग के बाद यहां पे सीआरपीएफ और पुलिस के जो दस्ते हैं इस जगह पे पहुंचे, तो कहा जा रहा है कि उसी दौरान जो है यहां पे जो जिन्होंने फायरिंग की थी जो मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इतनी मुद्दत के बाद भी तकरीबन इस जो वाक़या है इसको तकरीबन एक घंटा अभी हो गया है, लेकिन एक घंटे के बाद भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सीआरपीएफ है या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अहलकार हैं बिल्कुल इस जगह को अभी मुहासरे में लेके रखे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिफेंस के जो पर्सनल है, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, वो इस लोकेशन पे बिल्कुल मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से भी कोशिश करूँगा कि वो थोड़ा सा आगे आके आपको इस हवाले से इस लोकेशन को लेकर मनाजिर जो है, तस्वीरें जो है वो आप तक पहुँचाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लेन के जो एंट्री या जो कॉर्नर्स के जो साइड रोड्स निकलते हैं उन पे भी ब्लॉकेड लगाया जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी गलियाँ जा रही हैं उन गलियों के बिल्कुल सामने से जो है जो डिफेंस के जो बंकर्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनको प्लेस किया जा रहा है। और अभी तक जो मनाजिर हमारे सामने जो आ रहे हैं, अभी कहा जा रहा है कि वो इस जगह से भाग चुके हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं तो कोई फायरिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन इसके हवाले से अगर हमारे पास और भी कुछ इत्तलात सामने आती हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन आरिफ डार के साथ मैं मीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।